हेलो एवरीवन, इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में वेलकम बैक। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले वेन राव की फ्रेंड हैन श्यांग से होती है, जो कि आज काफ़ी अलग लग रही थी। वेन राव से कहती है कि तुम ठीक हो, तभी हैन श्यांग उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वेन राव को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे एज में काफ़ी छोटा है, इसीलिए वो हमेशा हैन श्यांग से चेंज होने के लिए बोलता है। यहाँ पर वेन राव उसे एक बहुत ही अच्छी सीख देती है और कहती है कि किसी के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी हमें चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हैन श्यांग उसकी बातों को इग्नोर करती है, बिकॉज उसे लगता है कि शायद वेन राव भी कुछ ज़्यादा ही सुपरफिशियल हो रही है और उसे पता नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड किस तरह का है। और उसके बाद वेन राव काफ़ी लेट घर पर आती है। यहाँ पर लियांग उसका वेट कर रहा होता है, बिकॉज उसे पता है कि वेन राव प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए इतनी देर तक बाहर रहना, इतना काम करना उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और उनके आने वाले बेबी के लिए भी नहीं। यहाँ पर वेन राव उसे सॉरी बोलती है, पर यहाँ पर लियांग उसकी सॉरी तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर गुस्सा से ज़्यादा वरीड होता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे आगे से डराना मत। तो वेन राव कहती है कि ओह हनी आई एम सॉरी, बट लियांग तो लियांग है, वो कभी भी वेन राव से ज़्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकता। उसके बाद वेन राव खुद का फैशन शो करने वाली थी, जिसमें अपने सारे मॉडल्स को प्रेजेंट करने वाली थी। अपनी इस ग्रैंड ओपनिंग के लिए उसे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। ये ग्रैंड ओपनिंग उसके ब्रांड पॉलीमोडा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके फ्यूचर के लिए भी। इसके लिए उसे बहुत सारा काम करना था। यहाँ पर लियांग को पता था कि ये काफ़ी एक्सॉस्टिंग होने वाला है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ इतना काम करेगी तो ये उनके बेबी के लिए और उसकी हेल्थ के लिए ठीक थोड़ी है। इसके बाद लियांग वेन राव का ख्याल रखने लगता है और उसके वेन्यू पर पहुँच कर ही उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वेन राव उसके केयर से परेशान हो रही होती है, बिकॉज इतनी केयर आखिर कौन करता है, और ये उसे कहीं ना कहीं एक्सॉस्टिंग लगने लगता है। यहाँ पर लियांग उसके हर चीज़ में इंटरप्ट करता है और उसे ज़्यादा काम ना करने के लिए बोलता है। तभी वेन राव उसे समझाती है कि ये उसका काम है, अगर वो ज़्यादा काम नहीं करेगी तो आफ्टर ऑल किसी ना किसी चीज़ की कमी तो होगी ही, एंड वो बॉस है इसलिए उसको ज़्यादा काम करना तो बनता है। बट लियांग उसका ख्याल रखना थोड़ी ना बंद करेगा, वेन राव कुछ भी कर ले। इसके बाद वो काफ़ी सारे हेल्पर्स वेन राव के लिए हायर करता है। वेन राव उसे हेल्पफुल से ज़्यादा अनोइंग समझ रही थी, बिकॉज हर चीज़ में किसी का इंटरप्शन उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। यहाँ पर लियांग उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि ओके आई एम सॉरी, पर प्लीज़ फ्यूरियस मत हो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर वेन राव कहती है कि ओके बट तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे तब तो ना। लियांग उसे क्लियर करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा और उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। आई नो डियर कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज़ डोंट मेक मी वरी एंड अपना ख्याल रखना। यहाँ पर वेन राव समझ जाती है कि लियांग से ज़्यादा अच्छा ख्याल उसका कोई नहीं रख सकता, बट हाँ ख्याल भी लिमिट में ही हो तो ही ठीक लगता है। यहाँ पर हम वेन शिंग और शू को देखते हैं, जो कि फाइनली ऑफिशियल डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद उनकी डेटिंग लाइफ काफ़ी अच्छी इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर दैट ये पहली बार किस करते हैं और इसी के साथ इनकी ऑफिशियल डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वेन शिंग अपना काफ़ी अच्छा टाइम शू के साथ स्पेंड कर रही थी, बिकॉज फाइनली पहली बार अपने डैड के पहुँच के बाहर थी और इस बार उसके पास कोई भी नहीं था जो कि उसे बताए कि उसे ये करना है, उसे वेन से कम्पीट करना है और वगैरह वगैरह, जो भी करना चाहे कर सकती है। यहीं पर हम हैन श्यांग को देखते हैं, जो कि वेन राव की फ्रेंड के साथ साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी है और उसका यंगर बॉयफ्रेंड उससे प्लीज करता है कि उसे दरअसल पॉलीमोडा की ग्रैंड ओपनिंग करनी है। यहाँ पर हैन श्यांग उसे हाँ कर देती है, बिकॉज शी इज़ टोटली ब्लाइंड इन लव। वेन राव उसके मुँह के सामने उसे डायरेक्टली मना कर देती है और कहती है कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते और हाँ मुझे पता है कि तुमने हैन श्यांग के साथ पता नहीं क्या कर दिया है, वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती, एंड देखना मैं ऐसे लात मारकर बाहर निकालेगी ना अपनी जिंदगी से कि तुम्हें समझ आ जाएगा। एंड किसी का यूज़ कर कर अपने ड्रीम्स तक पहुंचना इट्स नॉट गुड। यहाँ पर हैन श्यांग का बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर करता है और उसे पता चल जाता है कि वेन राव उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो फिर से हैन श्यांग का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपने इग्नोरेंस के चलते उस वेन राव के शो के वेन्यू को भी लीक कर देता है और किसी शो का वेन्यू पहले से लीक होना उस शो के लिए दरअसल अच्छी बात नहीं है। वेन राव उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर हैन श्यांग सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है, बिकॉज उसे पता था कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही सब किया है। यहाँ पर वेन राव इस बात से अनॉय होती है कि आखिर हैन श्यांग ये सब कैसे कर सकती है, अगर उसके बॉयफ्रेंड ने गलती की है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर हैन श्यांग सारी बातों को फिर से इग्नोर करती है और ये छोटी छोटी गलतियाँ दरअसल काफ़ी बड़ी बनने लगती हैं। इसके चक्कर में हैन श्यांग का झगड़ा वेन राव से होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वेन राव इस बात से काफ़ी ज़्यादा अनॉय होती है कि आखिर हैन श्यांग का दिमाग है भी या फिर है ही नहीं, बिकॉज वो अपना दिमाग का यूज़ करना भूल चुके हैं। एंड इतना प्यार में ब्लाइंड होना तो अच्छी बात नहीं है, ना ही उसके करियर के लिए और ना ही उसकी हेल्थ के लिए, बट समझ जाओ यार
आखिर प्यार में किसे क्या दिखता है। पर वेंडो अपने फ्रेंड को ऐसे बर्बाद होने तो नहीं दे सकती। वेंडो से एक बहुत ही बड़ा झगड़ा होने के बाद हैंशियांग उसकी कंपनी छोड़ने का डिसाइड करती है और कंपनी छोड़कर चली जाती है। और जैसे उसके बॉयफ्रेंड को ये पता चलता है कि हैंशियांग ने कंपनी छोड़ दी है, वो अब उसके किसी काम की नहीं है, तो वो उसे झगड़ा कर लेता है। ना उसे कॉल करती है और बताती है कि लियांग उसे काम करने नहीं दे रहा है और लियांग के हिसाब से वो प्रेग्नेंट है, तो उसे ये सब शो नहीं करना चाहिए। या फिर हैंशियांग गुस्सा होती है और जाकर लियांग से झगड़ा करती है कि आखिर वो वेंडो के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये उसका फ्यूचर है, इस कंपनी के लिए उसने सब कुछ किया है, उसे ये सब करने से रोक रहे हो, हाउ रूड, वेंडो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उसके बाद वो लियांग को सुनाई जा रही थी, तभी उसे इंस्टेंट रियलाइजेशन होता है कि जो वो लियांग को सिखा रही है वो उसे खुद भी सीखना चाहिए। बिकॉज किसी के अंडर कंट्रोल रहकर हम अपने डिसीजन लें, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। यहाँ पर वेंडो उसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हैंशियांग समझ आती है और जैसे ही अपने घर पर जाती है वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड दरअसल आराम से बैठकर उसके डिजाइन के ऊपर अपने स्नैक्स खा रहा है। इसके बाद समझ में आ जाता है इससे दूर रहना ही उसके लिए बेटर है। अब दैट वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी छोटी सी पार्टी में जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसकी गिफ्टेड जैकेट को उसके बॉयफ्रेंड ने अपने फ्रेंड को दे दी। इसके बाद हैंशियांग को गुस्सा आता है, बाद वो खड़ी होती है और उससे इंस्टेंट ब्रेकअप कर लेती है। वो उसे काफी कुछ सुनाती है और अपनी जैकेट भी उस बंदे से उतरवा कर ले जाती है, बिकॉज हम अपनी चीजें क्यों वेस्ट करें। और आफ्टर दैट हम हैंशियांग को देखते हैं जो कि फाइनली रिलीफ फील करती है कि उसने जो भी किया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। यहाँ पर हम वेंडो को देखते हैं जो कि काफी काम करने के बाद अचानक से सिक हो जाती है, बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसे लियांग डॉक्टर के पास लेकर जाता है, तभी डॉक्टर से बताती है कि वो एकदम ठीक है। वेंडो रिलीफ फील करती है, तभी डॉक्टर से बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ पर वेंडो परेशान होती है और कहती है कि क्यों, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन जो मॉर्निंग सिकनेस मुझे होती थी। तभी डॉक्टर से बताती हैं कि सब कुछ दरअसल ओवर ईटिंग की वजह से हो रहा था। यहाँ पर वेंडो परेशान होती है कि अगर वो ये लियांग को बताएगी तो लियांग उस पर ब्लेम नहीं करेगा, बिकॉज वेंडो के झूठ पहले ही लियांग को हजम नहीं हो रहे थे, और अब अगर वो ये बात और बताएगी तो पक्का लियांग को डायबिटीज तो होनी है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, सीरियस ट्रस्ट इशू डायबिटीज। अभी के लिए वो ये बात लियांग को नहीं बताती, लेकिन अंदर ये इतना ज़्यादा गिल्टी फील करती है कि शायद उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम हैंशियांग को देखते हैं जैसे कि फाइनली अपना कॉलेज वाला क्रश मिल जाता है और उसके साथ वो फिर से अपनी न्यू डेटिंग लाइफ स्टार्ट करती है। यहाँ पर वेंडो तो लियांग को नहीं बताती, पर लियांग ही उससे बात करता है और उसे समझाता है कि उसने सब कुछ सुन लिया था जो भी डॉक्टर ने उसे बोला था। लियांग उसे ही सॉरी बोलता है कि दरअसल इन दोनों की ही गलती थी, बिकॉज इन दोनों ने ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये सब चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग का हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर वेंडो फाइनली रिलीफ फील करती है कि लियांग बिना बताए सब कुछ कैसे समझ जाता है। इतना परफेक्ट हस्बैंड इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा, शायद हमें इस दुनिया के बाहर मिल जाए। यहाँ पर वेंडो के स्टेप फादर और वेंशन के रियल फादर को देखते हैं जो कि अभी तक अपनी स्कीम्स बंद नहीं करते। दरअसल पॉलीमोडा का वेन्यू खरीद लेते हैं ताकि वो अपनी कंपनी वॉनली का वहाँ पर शो कर सकें। यहाँ पर जैसे ही वेंडो की मम को ये पता चलता है तो उसके बाद वो डैड से डिवोर्स ले लेती हैं और उनसे पहली बार झगड़ा करती हैं। बिकॉज उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए हैं, उन्होंने वेंडो से पहले वेंशन का ख्याल रखा जबकि उनकी रियल डॉटर नहीं है, लेकिन वेंडो के फादर ने कभी उसे फादर वाला प्यार दिया ही नहीं। भले ही वेंडो की मॉम वेंशन के साथ झूठा ही दिखावा करती थी, बट वो करती तो थी, पर वेंडो के डैड ने ये भी नहीं किया। इसके बाद वो फाइनली उनसे अलग हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आपने वेंडो का तो कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर प्लीज़ अपनी खुद की डॉटर वेंशन पर ज़रूर ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर वेंशन घर पर आती है तो उसके डैड उस पर नाराज़ होते हैं, बिकॉज उन्हें पता चल जाता है कि वेंशन शू को डेट कर रही है जो कि वेंडो का ही एक्स है। यहाँ पर वेंशन भी अपने डैड से झगड़ा कर लेती है कि अब वो बड़ी हो गई है, अब वो मेच्योर है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है और वो शू को सच में प्यार करती है, ये कोई बेकार वाली डेटिंग नहीं चल रही है। यहाँ पर उसके डैड समझ जाते हैं कि अब वो वेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी वेंडो अपना आउटडोर फैशन शो करती है, उसका ब्रांड पॉलीमोडा इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। यहाँ पर हम वेंडो के डैड को देखते हैं जो कि वेंडो के शो को दरअसल वेन्यू के बाहर से देखते हैं और कहते हैं कि फाइनली मुझे समझ में आ गया है कि नाउ आई एम ओल्ड। उसके बाद अपने सारे कपल्स को देखते हैं जो कि अपनी डेटिंग लाइफ में एकदम ठीक थे। सो इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं न्यू ड्रामा के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।